हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का रेसिपी है प्रॉन बिरयानी। बहुत ही आसानी से बना के घर पे तैयार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रॉन को मैरिनेट करेंगे। उसके लिए एक बॉल में मैं यहाँ पे ले रही हूँ 300 ग्राम प्रॉन। इसमें मिलाएंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, नींबू का रस एक चम्मच, और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। फिर इसे कुछ देर के लिए साइड में रखेंगे। तब तक हम मसाले की तैयारी करेंगे। यहाँ पे मैं कढ़ाई गरम कर ली हूँ। अभी इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच तेल। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए उसमें सारे खड़े मसाले डालेंगे। सारे मसाले का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो वहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैं स्लाइस में कट कर ली हूँ। अभी इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। जब प्याज अच्छी तरीके से भुन जाए इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक इसका कच्चा स्मेल निकल जाए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो, जिसे मैं रफली कट करके डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच। अभी इसे थोड़ा सा मिला लेते हैं। यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ ताकि मसाला जल ना जाए, और अच्छी तरीके से मसाले को पकाएंगे जब तक टोमेटो अच्छे से मेसी हो जाए और इसमें से तेल निकल जाए। बिल्कुल इसी तरह सा पे हम डालेंगे 1/2 कप दही। ये फेंटा हुआ दही है। अभी कच्ची को चलाते हुए हम इसे पकाएंगे जब तक इसमें से तेल निकल जाए। मसाला भी अच्छी तरीके से भून चुका है। इस टाइम पे हम ऐड कर देंगे जो प्रॉन को मैरिनेट करके रखे थे। थोड़ा सा धनिया पत्ता और पुदीने के पत्ते भी हम ऐड करेंगे, इसमें से काफ़ी फ्लेवर आएगा। बिरयानी मसाला मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच। अभी इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिलाते हुए हाई फ्लेम में हम पकाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए। अभी ये बिल्कुल तैयार है। चलिए अभी इसे कुछ देर के लिए साइड में रखते हैं और चावल का तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं पानी गरम कर ली हूँ। अभी इसमें नमक डालेंगे और सारे ही खड़े मसाले डालेंगे और पानी को उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब पानी अच्छी तरीके से उबल जाएगा उस टाइम पे हम ऐड करेंगे 2 कप बासमती राइस, जिसे मैं 1/2 घंटे के लिए भिगो के रखी थी। अभी इसे थोड़ा सा मिला लेंगे और चावल को हम आधा पकाएंगे। आधा हम दम पे पकाएंगे और आधा हम इसी तरह से पका लेंगे। अभी आप देख सकते हैं चावल आधा पक चुका है। चलिए अभी इसे छान लेते हैं। चलिए अभी दम देने के लिए तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं दम एक बड़ा सा कढ़ाई ले ली हूँ। अभी इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और तेल को चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला लेंगे ताकि कोई भी चीज़ें नीचे ना लगे। अभी नीचे 1 लेयर का हम चावल डालेंगे। और इसके ऊपर जो प्रॉन को हम तैयार करके रखे हैं उसको डाल देते हैं। इसे चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा पुदीना का और धनिया का पत्ता ऐड करेंगे। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्राइड ऑनियन भी डाल रही हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अभी बचा हुआ चावल को ऊपर हम इसी तरह सा फैला लेंगे। ऊपर मैं यहाँ पे केसर का पानी ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो केसर का दूध भी डाल सकते हैं। ऊपर थोड़ा सा फ्राइड ऑनियन, धनिया पत्ता और पुदीने के पत्ते। अभी इसे हम ढक देंगे और लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए दम देंगे। इसे पकाए हुए अभी 10 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं चावल कितना खिला खिला और हमारा बहुत ही टेस्टी वाला बिरयानी बनके तैयार है। आप भी इसे बनाइए और गर्मा गर्म सर्व करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।